नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस चैनल पर जिसका नाम है ग्रेट इंडियन कीड़ा। हमने आपको अपने पिछले वीडियो में प्लेन में सफर करने का पहला स्टेप टिकट बुकिंग कवर किया था। आज हम अपने इस वीडियो में उसके आगे का स्टेप कवर करेंगे। हमारा दूसरा स्टेप है लगेज पैकिंग। आप जो अपने साथ सामान लेकर के जाते हैं एयरपोर्ट की लैंग्वेज में हम उसे दो तरह से डिवाइड कर सकते हैं, पहला केबिन बैगेज, दूसरा चेक इन बैगेज। केबिन बैगेज आपके साथ जो आपका हैंड बैग है, पर्स है, लैपटॉप बैग है, जिसे आप अपने साथ फ्लाइट में कैरी कर सकते हैं। आप मैक्सिमम 7 kg तक का सामान अपने साथ फ्लाइट में कैरी कर सकते हैं, ये सामान केबिन बैगेज कहलाता है। आप केबिन बैगेज में नेल कटर, रेजर, डीओ, परफ्यूम ये सब नहीं ले जा सकते हैं। और आपका सामान है, जैसे आपको आपकी मेडिसिन है, आपका खाने पीने का सामान है, या कोई मैगजीन है जिसे आपको सफर के दौरान यूज करना है, आप इस सामान को अपने साथ केबिन बैगेज में पैक करिए। दूसरा सामान है आपका चेक इन बैगेज। ये जैसे आपके साथ आपका सूट केस है, ब्रीफ केस है, इसे आपको चेक इन काउंटर पर ही जमा करना पड़ेगा। आप मैक्सिमम 15 kg तक का सामान जमा कर सकते हैं। अगर इससे ज्यादा सामान आपके पास है तो उसके लिए आपको एक्स्ट्रा फीस देनी पड़ेगी। अगर आपको रेजर, नेल कटर, डीओ, परफ्यूम ये सब सामान ले जाना है तो इसे आप अपने चेक इन बैगेज में पैक करिए। ये सामान जो आपका चेक इन काउंटर पर जमा हो जाएगा आपको वापस आपकी अराइविंग सिटी पर मिलेगा। तो दोस्तों, ये सब बातें ध्यान में रख करके अपना सामान पैक करिए। और अब आपका सामान पैक हो गया है तो आगे का स्टेप क्या है वो हम अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो उसे सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। और आपका कोई भी कमेंट, सजेशन या क्वेश्चन हो उसे हमारे कमेंट बॉक्स पर जरूर डालें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।